ये मौसमियों का मौसम है, और जब हम बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मौसमियों के गट्ठर लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, और मौसमियां एक के ऊपर एक झुंड में लगी हुई हैं, क्रम की तरह, एक क्रमबद्ध तरीके से लगी हुई हैं। तो क्या इसमें भी कोई गणित है? अगर हमारा गट्ठर बहुत ही क्रम से बना हुआ है, तो क्या हम गट्ठर की ऊंचाई को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि उसमें कितनी मौसमियां लगी होंगी? चलिए इसी गणित को देखते हैं, जो कि शायद सब्जी बेचने वालों को हम इंजीनियरों से शायद थोड़ी ज्यादा आती हो। चलिए कुछ मौसमियां लेकर हम ये खेल चालू करते हैं। सबसे पहले हमने तीन स्केल लेकर एक त्रिकोण बना दिया, जिससे मौसमियां इधर उधर ना भागें। अब सबसे नीचे हमने एक त्रिकोण बनाया जिसका हर भुजा दो मौसमियों के बराबर थी। उसके ऊपर हमने एक मौसमी रख दी, तो अब हम देखते हैं कि ये एक पिरामिड बन गया जिसकी हर भुजा दो के बराबर है। इसको बनाने के लिए कुल चार मौसमियां लगी, एक और नीचे की तीन, यानी कि चार मौसमियां। अब हम इसी पिरामिड को अगर और बड़ा पिरामिड बनाएं जिसकी भुजाएं तीन हो, तो क्या होगा? हमें और कितनी ज्यादा मौसमियां लगी? देखिए, नीचे का हमने दो का त्रिकोण तीन का बनाया और सब मिला के कुल छह मौसमियां और लगी, और अब ये हमारा पिरामिड एक तीन साइज का पिरामिड बन गया। तो इसको बनाने के लिए हमें कितनी मौसमियां लगी? एक और तीन और छह। सबसे नीचे छह, उसके बाद तीन और सबसे ऊपर एक मौसमी, यानी कि कुल 10 मौसमियां लगी। इसी तरह अगर हम चार साइड का पिरामिड बनाते हैं, तो उसके लिए हमें और कितनी ज्यादा मौसमियां लगेंगी? क्रम से अगर हम देखें या अगर हम इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि इसमें हमें 10 मौसमियां और लगी। चाहे आप गिन लें, सबसे आखिरी जो परत है उसमें सबसे नीचे चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, यानी कि 10 मौसमियां लगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे चार भुजा के पिरामिड में एक, तीन, छह और 10, यानी कि 20 मौसमियां लगी। अब हम और भी बड़ा पिरामिड बनाना चाहें, तो या तो हम हर त्रिकोण की एक एक भुजा बढ़ा सकते हैं, या इस पूरे त्रिकोण को उठाकर एक पांच भुजा वाले त्रिकोण के ऊपर रखें, तो ये पांच भुजा का एक पिरामिड बन जाएगा। तो देखिए क्या होता है, और ये बहुत ही बढ़िया पांच भुजा का पिरामिड बन गया। और अब इसमें कितनी मौसमियां लगी? जितनी चार के पिरामिड में लगी थी, और उसमें जो पांच का हमने त्रिकोण बनाया उतनी, पांच के त्रिकोण बनाने के लिए 15 मौसमियां लगी, तो कुल मिलाकर 20 और 15 मिलाकर 35 मौसमियां। और 15 जो है ये पांचवा ट्रायंगुलर नंबर है, यानी कि एक पांच भुजा का त्रिकोण बनाने के लिए हमें 15 मौसमियां चाहिए। और जो ये पिरामिड है, ये असली में एक टेट्राहेड्रन है, जिसके चार बराबर त्रिकोण आप देख सकते हैं, एक साइड, ये दूसरी और तीसरी और चौथी सबसे नीचे, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार से हमने ये जो पिरामिड बनाया, ये ट्रायंगुलर पिरामिड यानी कि टेट्राहेड्रन ही है। और अब हम इसकी गणित देखते हैं। ये सारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, एक, तीन, छः, 10 और 15, तीन और तीन छः, यानी कि हमें छह मौसमियां चाहिए तीन भुजा का त्रिकोण बनाने के लिए। 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी कि 15 मौसमियां चाहिए एक पांच भुजा का त्रिकोण बनाने के लिए। और इसलिए हम देख पाते हैं कि अगर हमें पांच भुजा का पिरामिड बनाना है, तो चार भुजा के पिरामिड के नीचे एक पांच भुजा का त्रिकोण रखना होगा, यानी कि 20 और 15, टोटल हमें 35 मौसमियां चाहिए। इसीलिए चार भुजा के पिरामिड के लिए 10 और 10 20, 6 और 4 10, 3 और 1 4। तो ये है हमारा फॉर्मूला ये बताने के लिए कि एक गट्ठर में कितनी मौसमियां हैं, और ये है ट्रायंगुलर नंबर्स का फॉर्मूला।